हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, स्पिरिचुअल गुरु एंड यूट्यूबर जोरबादी जैन के बारे में। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जोरबादी जैन का रियल नाम पुनीत जिंदल अलांस है। पुनीत जिंदल सर का जन्म 1978 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता गाजियाबाद में ही एक प्राइवेट जॉब किया करते थे व माँ हाउसवाइफ थी। पुनीत सर का एक छोटा भाई व एक छोटी बहन भी है। बचपन में घर की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, बस घर का गुजारा चल जाया करता था। पुनीत ने अपनी स्कूल एजुकेशन गाजियाबाद के एक सरकारी स्कूल से कंप्लीट की। पुनीत का बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। वे अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई में इतने कमज़ोर थे कि किसी तरीके से बस पास हो जाया करते थे। अपनी स्कूल एजुकेशन खत्म करने के बाद कंप्यूटर में इंटरेस्ट होने की वजह से पुनीत ने एपटेक से 3 साल का कंप्यूटर में एक कोर्स किया था। क्योंकि पुनीत को कंप्यूटर में मज़ा आता था, इसलिए अपने कॉलेज के एग्जाम्स में पुनीत अच्छे नंबरों से पास हो जाया करते थे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद पुनीत ने कई जगह ट्राई किया, लेकिन कहीं भी उनकी जॉब नहीं लगी। लेकिन सन 2000 की बात है, एक दिन उनकी एक कज़न बहन ने उनसे आकर बोला कि सेंट फ्रांसिस आईटीआई गाजियाबाद में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ, अकेली हूँ, इसलिए तू भी मेरे साथ चल ले। जब दोनों वहाँ गए तो बहन ने बोला कि जब यहाँ तक आ ही गया है तो तू भी इंटरव्यू दे ले। लेकिन हुआ ये कि इंटरव्यू में उनकी बहन का रह गया व उनका हो गया। वहाँ उन्हें मार्केटिंग एवं प्रमोशन का काम सौंपा गया। वहाँ उन्होंने 6 महीने तक काफ़ी जोश के साथ काम किया व 6 महीने में उनकी मार्केटिंग व प्रमोशन की वजह से आईटीआई में बच्चों की संख्या 3 से 4 गुना तक बढ़ गई। लेकिन 6 महीने बाद किसी वजह से वहाँ के एक स्टाफ से उनका झगड़ा हो गया और वहाँ के प्रिंसिपल ने बिना पूरी बात समझे उन्हें जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकलने के बाद भारी गुस्से में पुनीत ने यह डिसीजन लिया कि काम तो मैं कंप्यूटर का ही करूँगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ही मुझे इसमें है। इसलिए उन्होंने अपने ही घर में एक छोटी सी कंप्यूटर सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट डालने का सोचा। उन्होंने कुछ अपनी सेविंग्स व थोड़ा बहुत अपने घर वालों और दोस्तों से पैसा मांगकर पहला कंप्यूटर खरीदा और लोगों को कंप्यूटर सिखाना स्टार्ट कर दिया। यह सन 2001 के समय की बात है और धीरे धीरे 2 से 3 साल के बाद पुनीत के पास अपने 3 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट थे व उनके पास 100 से भी ज़्यादा कंप्यूटर थे और वे 2003 के टाइम में महीने का लगभग 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा कमा रहे थे। कुछ समय बाद पुनीत का इंटरेस्ट मार्केटिंग व पब्लिक स्पीकिंग की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे वे एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के रूप में सक्सेस होते चले गए। आगे चलकर पुनीत जिंदल बड़े बड़े मोटिवेशनल एवं ट्रेनिंग सेमिनार बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ऑर्गेनाइज करने लगे। वर्तमान समय में मिस्टर पुनीत जिंदल यानी कि जोरबादी जैन AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चीफ मार्केटिंग एवं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा मिस्टर पुनीत जिंदल सन 2012 से मारवाड़ स्टूडियो, रेडियो नोएडा, एशियन एजुकेशन ग्रुप्स AAFT नोएडा के CMO एंड CEO हैं। जोरबादी जैन की लीडरशिप के अंदर AAFT इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मीडिया एंड आर्ट एजुकेशन का हब बन के उभरा है। अपने मोटिवेशनल स्पीकर लीडरशिप ट्रेनर के 15 साल के करियर के दौरान उन्होंने 100 से भी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, ICICI बैंक, लिनोवो, JCB, IBM, HP, यस बैंक एंड अदर वो कंपनीज शामिल हैं को ट्रेन किया है। MNC कंपनीज में उनकी ट्रेनिंग का मेन विषय एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट होता था। जोरबादी जैन ने अपने फ्रूटफुल एवं पावरफुल मोटिवेशनल सेशन के थ्रू 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है। अपने जीवन के सारे उतार चढ़ाव एवं एक्सपीरियंस के बाद आम लोगों की ज़िंदगी में लव, पीस एवं हैप्पीनेस को बढ़ावा देने के लिए पुनीत जिंदल ने 4 अप्रैल 2017 को जोरबादी जैन के नाम से यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, जहाँ पर वे आम लोगों की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जैसे कि मनी मैनेजमेंट, रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, कैरियर, डिप्रेशन आदि से जुड़ी समस्याओं का फ्री में वो सटीक समाधान बताते हैं। आज जोरबादी जैन के चैनल पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं व उनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये रही जोरबादी जैन के अब तक के जीवन की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।